हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एडमंड स्पेंसर द्वारा लिखित सोनेट 34 का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। यह सोनेट 1595 में प्रकाशित हुआ था और यह पेट्राकन सोनेट को फॉलो करता है। सोनेट इटालियन वर्ड सोनेटो से बना है, जिसका अर्थ है सॉन्ग। पेट्राक अपनी सोनेट को उस औरत के बारे में लिखते थे जिसे वे कभी प्राप्त न कर सके, जबकि स्पेंसर केवल एक औरत एलिजाबेथ बॉयल के बारे में लिखते थे जिससे वे शादी किए। यह सोनेट एलिजाबेथ बॉयल के साथ स्पेंसर का संबंध विच्छेद के वर्णन को प्रस्तुत करता है। स्पेंसरियन सोनेट्स में 3 quatrains और 1 couplet होता है, जिसका राइमिंग स्कीम ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, ई ई। इन दिस सोनेट स्पेंसर यूजेस द एनालॉजी ऑफ ए शिप लूजिंग इट्स वे ड्यूरिंग ए स्टॉर्म टू कन्वे द सेपरेशन बिटवीन हिम एंड एलिजाबेथ। कपलेट 1। लाइक अ शिप That through the ocean wide, like a ship means एक ship की तरह, that through the ocean wide, जो large ocean से होकर, by conduct of some stars doth make her way, कुछ stars की मदद से अपना रास्ता बनाता है। When as A storm hath dimmed her trusty guide, जबकि एक आंधी इसके विश्वास युक्त दिशा को धुंधला कर देता है। Out of her course, अपने मार्ग से बाहर, doth wander far astray, दूर तक भटक जाता है। इस कपलेट में कुछ अर्केक वर्ड्स का प्रयोग किया गया है। doth डू का अर्केक वर्ड, हैथ हैज का अर्केक वर्ड। इस कपलेट से कभी कहना चाहते हैं, शिप लार्ज ओशियन में ट्रेवलिंग करते हुए अपने वे को स्टार्स की सहायता से तय करता है, लेकिन जब स्टॉर्मी क्लाउड्स स्टार्स लाइट को रोक देता है तो शिप अपने रास्ते से भटक जाता है। यहाँ हर से शिप को डिनोट किया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में अधिकांश मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को फेमिनिन जेंडर में रखा गया है। इस कपलेट से स्पेंसर अपने आप को शिप और स्टार को अपने बिलॉव्ड के रूप में दर्शाते हैं। कवि के अनुसार उनका जीवन शिप की तरह है, जब तक उनके बिलॉव्ड का लाइट उन पर रहता है तब तक वे शाइनी दिखते हैं, लेकिन स्टॉर्मी क्लाउड्स की तरह जब बिलॉव्ड नहीं दिखती है तो वे गाइडलेस और वेलेस हो जाते हैं। कपलेट 2। सो आई हूज स्टार, इसीलिए मैं उसकी प्रकाश, दैट ओंट विद हर ब्राइट रे, जो उसके ब्राइट रे के साथ नहीं रहेगा, मी टू डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से मुझ पर, विद क्लाउड्स इज ओवरकास्ट, क्योंकि बादल आच्छादित है। डू वंडर नाउ इन डार्कनेस एंड डिसमे, अब डार्कनेस और डिसमे में भटकता हूँ, through hidden perils round about me placed, छिपे हुए संकटों से घिरे होकर। अतः कभी इस कपलेट से कहना चाहते हैं कि मैं डार्कनेस और डिसमे में अब भटकता हूँ, क्योंकि उसकी दिशा देने वाली प्रकाश स्टॉर्म के डार्क क्लाउड्स के द्वारा छुपा दिया गया है। कभी कहते हैं कि वह उसके ब्राइट रे को मिस करता है, जिसमें वे उसकी ब्यूटीफुल सोल
विथ पर्सनालिटी को देखते थे, इसीलिए वे सैडनेस से ग्रसित है। कपलेट थर्ड, एट होप आई विल, मैं अभी भी आशा करता हूं, दैट व्हेन दिस स्टॉर्म इज पास्ट, कि जब यह आंधी समाप्त हो जाएगी, माय हेलिक द लोड स्टार ऑफ माय लाइफ, मेरी हेलिक मेरे जीवन को राह दिखाने वाली विल साइन अगेन, फिर से चमकेगी, एंड लुक ऑन मी एट लास्ट, और अंत तक मुझ पर पड़ेगी विद लवली लाइट, प्रेम भरे प्रकाश से, टू क्लियर माई क्लाउडी ग्रिफ, मेरे दुख को समाप्त करने के लिए। इस कपलेट से कवि कहना चाहते हैं कि मैं आशा करता हूं कि जब यह स्टॉर्म समाप्त हो जाएगा तो मेरी बिलव्ड की लाइट मुझ पर फिर से पड़ेगी और पोर्ट मींस उस तक पहुंचने में पुनः गाइड करेगी, ताकि वे दोनों फिर से एक साथ रह सके। हेलिक द लोड स्टार का अर्थ है एक स्टार जो दिशा देता है, प्रायः नॉर्थ स्टार को प्रदर्शित करता है। इस कपलेट में हेलिक शब्द का प्रयोग किया गया है जो एडिथ हैमिल्टन की पौराणिक कथा से लिया गया है। कथा के अनुसार हेलिक कैलिस्ट्रो के रूप में जानी जाती थी। हेलिक एक जंगल की परी थी जो उर्सा मेजर में परिवर्तित हुई। हेलिक अर्केडिया के राजा लैकोन की बेटी थी। सुंदर कुमारी कैलिस्ट्रो जंगल में शिकार करते हुए थक गई, इसलिए वह आराम करने के लिए लेट गई। उस जंगल में गॉड जुपिटर का ध्यान उसकी ओर गया और वे उसकी सुंदरता में पागल हो गए। जुपिटर की पत्नी जूनो कैलिस्ट्रो से अत्यधिक ईर्ष्या करती थी। कुछ दिनों के बाद जूनो को पता चला कि कुवारी कैलिस्ट्रो एक पुत्र को जन्म दी है। जूनो सोची कि इसका पिता जरूर जुपिटर ही होगा। कैलिस्ट्रो को सजा देने के लिए जूनो उसे एक भालू में बदल दी, ताकि अब वह सुंदर न दिखे। कैलिस्ट्रो का बेटा जिसका नाम अरकास था को एडॉप्ट कर लिया गया, जो एक हंटर के रूप में बड़ा हुआ, जबकि कैलिस्ट्रो जंगल में ही रहा करती थी। एक दिन कैलिस्ट्रो अरकास को देखी और अपनी बेटा को देखकर अति प्रसन्न हुई और वह अरकास की ओर दौड़ी, लेकिन वह यह भूल गई कि वह एक औरत नहीं भालू है। अरकास सोचा कि वह भालू उस पर आक्रमण कर रहा है, इसलिए अरकास ने अपनी बांध से कैलिस्ट्रो को घायल कर दिया। जुपिटर कैलिस्ट्रो को बचाने पहुँचे और जून से बचने के लिए अरकास को भी अपनी माँ कैलिस्ट्रो के जैसा बियर बना दिया और उन दोनों को हिवेंस में ले गए और तारों के बीच उसे शांतिपूर्वक जीवन बिताने के लिए रख दिया। यह सब देखकर जूनो क्रोधित हो गई और उन दोनों से और अधिक बदला लेने के लिए वह समुद्र के देवता के पास गई और उनसे वह निवेदन की कि इन दोनों को अपने लॉन्ग और इनलेस जर्नी के लिए पोल स्टार के चारों तरफ रख दीजिए। और तब से हेलिक नॉर्थ स्टार और अरकास एक बियर स्टार की तरह आकाश में रहने लगे। कपलेट, टिल देन आई वंडर केयरफुल कंफर्टलेस इन सेक्रेट सोरो एंड सैड पेंसिवनेस। इन दोनों लाइन्स को राइमिंग कपलेट के रूप में जाना जाता है, जो इंटायर पोएम के सारांश को प्रस्तुत करता है। टिल देन आई वंडर केयरफुल कंफर्टलेस मीन्स तब तक मैं भटकूंगा सावधानीपूर्वक आराम विहीन। इन सेक्रेट सोरो एंड सैड पेंसिवनेस, रहस्यमय दुख और उदासीपूर्ण चिंतन में। इन दोनों लाइन्स में स्पेंसर अपनी बिलव्ड को कह रहे हैं कि जब तक तुम मुझे नहीं क्षमा करोगी, तब तक वे अकेले दुखित भावनाओं के साथ एमलेसली भटकते रहेंगे।
द थीम ऑफ दिस पोएम, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य है टू रीच द लैंड एंड ऑल्सो टू रीच द करेक्ट वे विद हिज बिलॉव्ड. नाउ स्पेंसर्स सोनेट 34 हैज बीन ओवर. I've described it line by line splendidly. Subscribe my channel if you like it. And don't forget to share my channel with your friends. Thank you very much. We'll see you next. God bless you.